हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 39 करने जा रहे हैं। ये क्लास 6 की मैथमेटिक्स की रहेगी और ये 25 डेट की वर्कशीट है, ठीक है। यानी कि हम थर्सडे की वर्कशीट करने जा रहे हैं, थर्सडे की वर्कशीट है। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जो वर्कशीट है थर्सडे की, ये इंटीजर से रिलेटेड है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंटीजर्स वो कंप्लीट नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, है ना। बताया था ना मैंने आपको अच्छे से, तो वही है। लेकिन आज हम सब्ट्रैक्शन सीखने जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आपने जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो सी चीज़ें पढ़ी थी, तो उसी को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पहले, ठीक है। देखो, टू ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम किसी भी नंबर में, मतलब जो इंटीजर है, ठीक है, उसमें हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हम राइट की तरफ जाते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये नंबर लाइन डाली 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब ये कह रहा है कि इनमें से किसी भी नंबर में आप जो है पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करके देखो, जैसे मैं -3 में मैं 2 ऐड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि तो बोला ऐड करना पॉजिटिव इंटीजर किसी भी नंबर में, इनमें से किसी भी नंबर में। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, 3 से नीचे जितना मर जाओ, -4, -4, -5, -6, 3 से ऊपर जाओ, 4, 5, 6, कितना मर चले जाओ, उन सब में बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये कह रहा है राइट की तरफ जाएंगे। तो देखो, -3 है, +2 हैं, तो मैंने आपको बताया था -3 और +2, तो ये कट गया, तो -1 आ रहा है ना, है ना। तो आप चेक करो, यहाँ पर -3 पर हो आप, तो आपको +2 पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो 1, 2, आप कहाँ जा रहे हो, राइट में जाते हो ना, तो -1 ही तो आंसर आ रहा है आपका। अगर आप नंबर लाइन से आंसर निकालोगे तो -3 पर आप हो, उसके बाद +2 मतलब पॉजिटिव की तरफ जाओगे, तो आपका -1 ही तो आंसर आएगा। तो ये आपने सीख लिया ना कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तो हमें राइट में जाना है। चलो इस तरफ देख लो, ये 2 है ना, 2 में आप ऐड करो, 2 ऐड करो, तो देखो 4 आ रहा है। अब 4 किधर की तरफ है, राइट में है इस 2 के या लेफ्ट में है, बताओ। राइट में है ना, है ना। तो ये रूल होता है, क्या रूल होता है कि अगर हम किसी भी नंबर में, चाहे वो माइनस का हो, ठीक है, चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो प्लस का हो, जब भी हम उसमें कोई भी नंबर ऐड करेंगे जो पॉजिटिव है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, हमेशा राइट की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई, नंबर लाइन में राइट समझ में आ गया। इधर की तरफ क्या होता है, राइट होता है, और इधर की तरफ क्या होता है, लेफ्ट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो मैं केवल वर्कशीट नहीं समझाता, उसके एडिशनल चीज़ें भी समझाता हूँ, ठीक है। जिनको वर्कशीट के क्वेश्चन देखने तो वीडियो को आगे बढ़ा के देख लेना, ठीक है। बाकी जो कंसेप्ट सीखना चाहते हैं वो पूरे अच्छे समझें, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि -3 और -2 में कौन राइट में है, तो बताओ कौन सा राइट में है, -2 राइट में है ना, ठीक है। ऐसे अगर आपसे पूछे -3 और 0 में राइट में कौन है, तो कौन राइट में है, 0 राइट में, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे आपको -3 और -4 लिख के दे देगा, वो बोलेगा इनमें से राइट में कौन है, जल्दी बताओ राइट में कौन है। आप ये मत सोचना कि -4 है तो राइट में हुआ, नंबर लाइन बना के देखना है आपको, ठीक है। -2, -3 यहाँ तो रफ में बता रहा हूँ, ये देखो राइट में -3 है, पहले -3 आता है, तो -3 आपका आंसर आएगा। आगे समझ में, चलो। तो ये मैंने आपको पहला वाला कंसेप्ट समझा दिया कि अगर हम किसी भी नंबर में पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमेशा हमें राइट की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, राइट की तरफ जाना है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है अगर ऐड करेंगे नेगेटिव इंटीजर तो हमेशा लेफ्ट की तरफ जाएंगे। चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमने 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ले लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कोई भी नंबर में नेगेटिव इंटीजर को अब ऐड करो, -3 लिया, ठीक है, उसमें -1 ले लिया, तो आपका आंसर कितना आएगा। देखो -3 है, -3 है, और -1 है -1, तो कितने माइनस हो गए टोटल, -4 हो गए। तो अब आप -4 आप इधर की तरफ पहुँचोगे ना, आप इधर की तरफ पहुंचोगे ना, यस या नो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आप नेगेटिव इंटीजर में, ठीक है, मतलब किसी भी इंटीजर में, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है, आप पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी नंबर ले लो, उसमें अगर आप नेगेटिव इंटीजर ऐड करोगे तो हमेशा कहाँ जाओगे, लेफ्ट की तरफ जाओगे। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इस 3 में -4 आप ऐड करो, ठीक है। तो -4 आप ऐड करोगे तो 3 है ना, तो क्या आएगा, 1, 2, 3, माइनस के कितने, 4, कितने 4, तो देखो 3 कट गए, इससे कट गए, तो 1 बचा, तो -1 आ गया। और चेक करो, अब यहाँ ग्राफ में चेक करो, नंबर लाइन पे चेक करो, तो आप बना लो 4 तक। तो सबसे पहले 3 पर जाओ, 3 पर चले गए, -4 है,
जब माइनस के बोले तो 1, 2, 3, 4, तो माइनस का 1 आ रहा नहीं आ रहा। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि अगर हम किसी भी नंबर में पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे तो हमेशा राइट की तरफ जाना है, और किसी भी नंबर में ठीक है हम नेगेटिव इंटीजर ऐड करेंगे तो हमें लेफ्ट की तरफ जाना है। ये अभी मैंने आपको क्या समझाया है, आपको किसी भी नंबर में ऐड करना सिखाया है ना। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब्ट्रैक्शन वाले हैं। तो ये कह रहा अगर पॉजिटिव में ये रूल होता है तो ठीक है, नेगेटिव में ये रूल होता है ऐड करने वाले में, लेकिन अगर वही क्वेश्चन आ जाए और उसमें सब्ट्रैक्ट करने वाला क्वेश्चन का रूल होगा तो क्या होगा। अभी तक जो आपको मैंने समझाया कौन समझाया, ऐड वाले समझाए हैं, कौन समझाए हैं, ऐड वाले। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये है सब्ट्रैक्ट वाला। तो सब्ट्रैक्ट वाले में क्या होगा ये पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। शुड वी मूव टूवर्ड द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, क्या हमें लेफ्ट में जाना चाहिए या हमें राइट में जाना चाहिए। तो जिन बच्चों ने बताया कि इसमें हम रिवर्स कर देंगे, जब हम ऐड करते हैं ठीक है, जब हम ऐड करते हैं नेगेटिव इंटीजर को, ये नेगेटिव है ना, क्या करते हैं बच्चों, जब हम ऐड करते हैं नेगेटिव इंटीजर को तो हम लेफ्ट में जाते हैं, लेकिन अगर उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम वहाँ राइट में जाएंगे। इसका उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, जो ऐड के लिए होता है ना पॉजिटिव में वो उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गई। तो इसलिए आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा वी मूव। ये आपको कॉपी करनी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहा है ठीक है मैं आपको, और अगर आप करना भी चाहते हो कॉपी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। तो ये लिखे येस वी हैव टू मूव टूवर्ड द राइट ऑन द नंबर लाइन। तो अब देखो इसके आंसर को सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करने का तरीका समझ लो। देखो माइनस, अगर ब्रैकेट में माइनस लगा है तो यहाँ ये कोई साइन नहीं है ना, तो ये हो जाता है मल्टीप्लाई, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। तो आपको सिंपल याद रखना है कि माइनस अगर ब्रैकेट में माइनस आ जाए तो आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। प्लस ब्रैकेट में माइनस आ जाए तो आपको माइनस लिखना है, माइनस ब्रैकेट में प्लस आ जाए तो आपको माइनस लिखना है, और प्लस ब्रैकेट में प्लस आ जाए तो प्लस लिखना है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब ये अच्छे से समझ लो क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन आपको खुद करके दिखाने हैं, क्योंकि मैं केवल कंसेप्ट लर्निंग पर ही ध्यान देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बच्चा खुद क्वेश्चन करे ठीक है, उसी बात पे तो मजा है, है ना ठीक है। चाहे मेरी वीडियोस पर 2 व्यूज़ आए 4 व्यूज़ आए या 4 लाइक आए, लेकिन जो आए वो दिल से आए, मन से और समझ में आए तो ही आए, है ना। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक आप सबको। चलो प्यारे प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं ठीक है बच्चों। चलो पहले समझ लो उसके बाद लाइक भी कर देना। तो देखो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट और नेगेटिव इंटीजर वी गेट अ ग्रेटर इंटीजर ठीक है। तो अब देखो फटाफट क्या कह रहा है कि जब हम ना सब्ट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव इंटीजर को तो हमें बड़ा इंटीजर मिलता था, वो हमने समझ भी लिया है। चलो अब फटाफट देखो 5 लिखा है ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 लिखा है। तो ये जो माइनस लिखा है ना, तो यहाँ पर ये समझा रहा है कि जो माइनस है इसका एडिटिव इनवर्स कर दो। और आपने सीखा था ना एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं, अगर मैं बोलूं कि माइनस 2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब वो आपको अमाउंट बतानी है जो उसमें ऐड करने पर ना उसको क्या ला दे, 0 ला दे। तो माइनस 2 में क्या ऐड करें कि वो 0 हो जाएगा, प्लस का 2 ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात, आप इस तरीके से सीखना चाहते तो इस तरीके से सीख सकते हैं। बाकी मैंने जो भी आपको फॉर्मूला सिखाया था ना प्लस माइनस माइनस वाला ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखो माइनस और ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया ठीक है। और 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। समझ में आ गया सबको। अब आगे देखो, ये एग्जांपल है ना, पहले देख लो माइनस 2 आपने सेम लिख दिया, और ये देखो जब माइनस बाहर आया ना तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस 7 का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। और देखो प्लस के 7 है, माइनस के 2 है, तो देखो प्लस के 7 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और माइनस के कितने हैं 2, तो ये कैंसिल हो गया, कितने बचे 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे, 5 बच्चे ना, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो ठीक है, और मैंने आपको जो सिखाया आप ऐसे भी कर सकते हो। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 7 में 2 गए 5 आ गए ठीक है। समझ में आ गई। अब फटाफट हम करते हैं क्वेश्चन ठीक है। तो देखो अब आप जो है किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे मैं फटाफट सॉल्व करूँगा, आप उन्हें अच्छे से देखना। आंसर पहला कर रहा हूँ ठीक है, और आप नोट करते जाना ठीक है, और अपने आप करते जाना ठीक है। तो जो हमें वर्कशीट में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं ठीक है। जैसे हमें वर्कशीट में बोला गया, वर्कशीट में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना हमने क्या लिखा है, ये जो माइनस माइनस है ना प्लस लिखा, और लिख दिया एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 7। समझ में आ गई। तो हम इसी के अकॉर्डिंग पूरी थ्योरी लिख देते हैं ठीक है जी, नहीं तो आप सीधा ड्रैग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है
लेकिन अब जो वर्कशीट में दे रखे मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको करवा रहा हूँ। 7 माइनस माइनस 7, ठीक है 7, और मैं आपको क्या लिख रहा हूँ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर आप यहाँ लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -7, पूरा पूरा लिख लेंगे ना बच्चों, अपने आप लिख लोगे ना, ये जो चीज़ है यहाँ से ऊपर से देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, 7, तो ये क्या हो जाएगा, -7 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, एडिट इनवर्स कर दिया तो 7 और 7 कितने हो गए, यहाँ पर 14 आ गए, समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार बिल्कुल साफ साफ लिख के दिखा देता हूँ। अब मैंने ये कॉपी पर कर दी है ताकि आप आराम से कर पाए, ठीक है। तो ये देखिए, तो दोनों तरीके से मैंने कर दिए, आप दोनों में से किसी भी तरीके को कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, जो वर्कशीट में दे रखा था वहाँ बोला गया -7 दे रखा है ना, उसका आपको एडिट इनवर्स बताना है, -7 तो क्या हो गया, +7, ठीक है। इस तरीके से एडिट इनवर्स में क्या करना होता है, आपको साइन चेंज कर देना होता है, ठीक है। जैसे अगर 7 है तो -7 होगा, तभी जोड़ने पर 0 आएगा, ठीक है। एडिट इनवर्स का मैंने आपको मतलब अच्छे से बताया था, तो ये देखिए 7 का 7 लिखा, या -7 का +7 हो गया, इस तरीके से 14 आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, +14 आ गया, ठीक है। तो आप साथ साथ क्वेश्चन करते जाएं, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कॉपी पर कर दी ताकि आपको उतारने में समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और मैंने आपको अच्छे से एक क्वेश्चन उस भी समझा दिया था। अब देखिए, यह -15 है, तो फिर हम इसका क्या करेंगे, एडिट इनवर्स निकालेंगे, प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। ये सबट्रैक्ट के रूल में याद रखना, 25 आएगा। तो आप ये वाला भी उतार सकते हैं, जिसमें आपको मैंने क्या रूल सिखाया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 25 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आ जाइए, ठीक है, जो है तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, तो -15 का एडिट इनवर्स क्या होगा, 15 हो जाएगा, प्लस का 25। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए, बहुत ही सारे क्वेश्चन इजी है, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। उसके बाद फटाफट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, वही करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे 62, और अगर आप एडिट इनवर्स लिख के करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने ओवर में भी करके दे दिया, दोनों आपके लिए कर दिए, जैसा आपको ठीक लगे। देखो एक स्टेटमेंट ही तो लिखनी है, है ना, मुश्किल थोड़ी है ना, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, फोर्थ पे, तो फोर्थ भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, ये है फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें 3 आ गए, तो यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, इस तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो ये दोनों प्लस किया ना, तो दोनों प्लस किया तो 35 आ गया, 35 में से 3 लेस कर दो, 32 आ गया, ठीक है। और इसको आप ड्रैग भी करना चाहे ड्रैग भी कर सकते हैं। अब ये कह रहे सब्ट्रैक्ट कीजिए, अब देखो ये स्टेटमेंट में लिखा आ गया, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल पहले इसको इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सब्ट्रैक्ट -130 फ्रॉम -124, तो ये आपको पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से आपको -130 लेस करने हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर आप क्या करेंगे, एडिट इनवर्स -130 करेंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, -130 प्लस का 130 हो जाएगा। और अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ माइनस के 124 हैं और प्लस के 130, तो प्लस के 6 बचेंगे, ठीक है। और प्लस लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी होती है, आप केवल 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन है थर्ड, कि एडिट इनवर्स बताइए -40 का क्या होगा, -140 का क्या होगा, तो 140 हो जाएगा, या आप यहाँ पर प्लस का साइन लगा सकते हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, ये कह रहा है कि ये यहाँ पर क्या पुट करें कि सॉल्व करने पर 0 आए, ठीक है। तो हम यहाँ पर माइनस का 9 रखेंगे, क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 में से 9 जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखिए 25 है, तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो 25 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 में से 24 गए, 1 आ गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्लस की अमाउंट बड़ी थी, और जब प्लस माइनस माइनस करा तो 24 आ गया, ठीक है। और अभी हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम पॉजिटिव जो है, ठीक है, उसमें कोई भी हम इंटीजर नेगेटिव वाला जोड़ेंगे, तो हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट की तरफ चले जाना है, तो लेफ्ट में जाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ठीक है थोड़ा छोटा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, एक ही हो गया, ठीक है।
ठीक है, दूसरा ये था हमारा, उसके बाद ये था, फिर ये था। मैंने दो दो बार किया है, ठीक है, दोनों पार्ट टाइप से किया, आप जैसा ठीक लगे कर सकते हैं। चलो फिर मिलेंगे आपसे, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।